नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीपी कैंपस में नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो केसेस रेल बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर क्या होगा, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड के 9वें संस्करण को किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन से दोस्तों, वुमेन अवार्ड के 9वें संस्करण में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा आंसर क्या होगा, कलीपुरी। कलीपुरी जी को 9वें संस्करण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण लेबान सरकार ने कितने दिनों के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो कितने दिनों के लिए दोस्तों, तो 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को किस टूर्नामेंट में सीधे जगह दी गई है? किस टूर्नामेंट में दोस्तों, तो यूएसए ओपन में सीधे जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पूर्व रियाल मैड्रिड एवं स्पेन के किस फुटबॉल खिलाड़ी को संन्यास लेने की घोषणा की है? किस कौन से खिलाड़ी है, इकर कैसिलास ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा क्रिकेटर बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गया है? यान मॉर्गन। यान मॉर्गन जो है सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, आयरलैंड के नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका, जॉन ह्यूम। जॉन ह्यूम जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किस कंपनी ने किया, कौन सी कंपनी ने, तो BSNL ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस देश की कैबिनेट में नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान में नए नक्शे की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल को खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान। राजस्थान में धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। थैंक यू।